नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त राशिद। दोस्तों, बात करेंगे आईने की, जिसे हम शीशा या मिरर भी कहते हैं, जिसके बिना हमारी खूबसूरती अधूरी है। आईना जिसके सामने हम खुद को निहारते हैं, सवारते हैं, ये आईना ही आपकी खूबसूरती को आपके कॉन्फिडेंस के साथ जोड़े रखता है। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आईने को सही दिशा में रखा ना जाए तो ये आपका चेहरा सवारने की जगह आपकी किस्मत बिगाड़ भी सकता है। आईने को कहां और किस दिशा में रखना चाहिए, ये आज मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि आईना कब और किस दिशा में रखने पर आपकी सफलता के बीच आता है। पहला, बेडरूम में आईना नहीं रखना चाहिए। यदि रखना भी हो तो ऐसे स्थान पर रखें जहां पर उसमें सुबह उठने पर आपकी शक्ल दिखाई ना दे, अर्थात आईने में बिस्तर का दिखाई देना शुभ नहीं होता। दूसरा, घर में टूटा हुआ आईना नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार के दर्पण से जो रोशनी वापस आती है वह घर में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवाह करती है, जिससे पारिवारिक सदस्यों के बीच दूरियां आती हैं। इस प्रकार के आईने में चेहरा ना देखें, क्योंकि ऐसा करना स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तीसरा, घर में आईने को उत्तर और पूर्व यानी नॉर्थ और ईस्ट दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। चौथा, वास्तु विज्ञान के अनुसार गोल आकार का आईना शुभ नहीं होता। इसकी जगह आयताकार और वर्गाकार यानी रेक्टेंगल और स्क्वायर दर्पण का प्रयोग करना अच्छा माना जाता है। पांचवा, घर में दक्षिण और पश्चिम यानी साउथ वेस्ट की दिशा में आईने को ना रखें, क्योंकि इन दिशाओं में दर्पण रखने से कष्टों का आगमन होता है। छठा, आईने पर धूल मिट्टी नहीं जमनी चाहिए। घर के बेसमेंट या दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट की दिशा में स्नान घर और शौचालय बना है तो वर्गाकार यानी स्क्वायर आईना पूर्वी यानी ईस्ट दीवार पर लगाने से वास्तु दोष दूर होता है। सातवां, आईना लगाते समय यह जरूर ध्यान रखें कि उस आईने में किसी भी शुभ वस्तु का प्रतिबिंब नजर आ रहा हो, यह आपके भाग्य में वृद्धि लाता है। आठवां, आईना ऐसी जगह ना हो जिसके ठीक सामने आपके घर या ऑफिस की कोई खिड़की या दरवाजा हो। नौवां, आईना घर की दीवारों पर ना तो ज्यादा ऊपर और ना ही ज्यादा नीचे लगाना चाहिए, वरना घर के लोगों को शारीरिक तकलीफों से गुजरना पड़ सकता है। दसवां, ध्यान रखें कि आपके घर में जो भी आईना हो वह धुंधला, गंदा या टूटा फूटा ना हो। ऐसे आईने में रोज चेहरा देखना आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी को पैदा करता है। ग्यारहवां, एक कमरे में एक ही आईना होना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके चेहरे की तरह आपका भाग्य भी चमके तो आज ही इन टिप्स को अपनाएं और अपने घर में आईने को सही दिशा में लगाएं। दोस्तों, समस्या हमारी जिंदगी का एक पहलू है। अपनी समस्या और परेशानियों को आज ही दूर करें चमत्कारी समाधान के टोटकों और उपायों से। और चमत्कारी समाधान की बाकी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल चमत्कारी समाधान को आज ही सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर और कमेंट करना ना भूलें।